स्वागतम सुस्वागतम गाइस, वेलकम टू कटप्पा वाइटी। तो गाइस आज फिर मैं पहुंच गया हूं बेशर्मों की तरह अपने नए गेम प्ले के साथ आपके बीच। और आज क्या गेम में कुछ खास है क्या? नहीं कुछ खास नहीं है, बस अच्छा थी, अच्छा था गेम, अच्छे थे टीममेट्स, तो बहुत मज़ा आया था, सोचा अपलोड कर दूँ। तो गाइस हम इस गेम में स्टार्ट करते हैं पुचिंकी से और एंड करते हैं पुचिंकी के बनों के पास। तो बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं आज का ये गेम। तो भाई ये देखो, इस गेम का सीन कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि हम जा रहे होते हैं रोजॉक पर, अचानक से वो मुझे दे देते हैं जंप करने का ऑप्शन और रोजॉक बहुत लेट हो चुका होता है। तो हम डिसाइड करते हैं कि हम पुचिंग की जाएंगे, तो हम सारे पुचिंग की पे जंप कर जाते हैं। जी हाँ भाई, एक छोटा सा बेकार सा घटिया सा स्पॉट, मतलब जहाँ कुत्ते भी आज के डेट में मौत में नहीं जाते भाई। एक टाइम था जॉर्जो नोवो मिलिट्री बेस, ये सब बच्चे थे और सबसे तगड़ा हॉट ड्रॉप पुचिंग की हुआ करता था। एक टाइम था जब यहाँ 5-5, 7-7 स्क्वाड लैंड करके अपना हुनर दिखाने की कोशिश करती थी, पर वो सब बीती बातें हैं। अब यहाँ कुत्ता भी मुझे नहीं आता, पर फिलहाल यहाँ पे कुत्तों के बीच में दो टीम आई थी जिनकी आपस में फ़ाइट हो गई इस ट्राइंगल में। तो हम लोगों ने बस पेलम पेल कर दिया उनके साथ, उसके थर्ड पार्टी जो ना थर्ड पार्टी बीच सबसे बड़ी पार्टी, कोई बीजेपी कोई कांग्रेस नहीं, पहले सबसे बड़ी पार्टी थर्ड पार्टी। जी हाँ, तो भाई सीन यहाँ पर यह होता है कि हमारा मित्र लोग बहुत ज़्यादा ही बकरबैली कर रहा होता, बकैती कर रहा होता, इसकी वजह से हमें अपना माइक यानी स्पीकर का वॉल्यूम कम करना पड़ता है। और यहाँ पे अचानक से सीन ये होता है कि मैं यहाँ वहाँ TPP ले रहा होता कि अगला बंदा किधर से आएगा। तो अगला बंदा आता है, मैं उसको गोली चलाने की कोशिश करता हूँ, मेरा टीममेट उसे पीछे से फेल जाता है। भाई इस बंदे को देखो भाई, मतलब आप क्या इंटरव्यू देने आ रहे थे क्या खिड़की से? तो इंटरव्यू दिए, मज़ा आया, चलो जाओ, आप रिजेक्ट हो गए। तो भाई यहाँ पर सीन कुछ इस तरह से होता है कि मैं ये क्रेट लूटने के लिए ना पहले अपना गन ड्रॉप कर देता हूँ कि मेरे को जल्दी से जल्दी गन मिल जाए। तो गाइस पुचिंगी में कुछ खास था नहीं, वह एक स्क्वाड को खाने के बाद हम पहुँच गए थे अपने ब्रिज पे। जी हाँ, ब्रिज पे पहुँच गए थे क्योंकि ब्रिज पे जा रही थी जोन, पर अचानक से जोन फिर पलटी मारती है और हम वापस से जोन की तरफ भागते हैं। तो इसी बीच हमें ना एक ये दिखता है, ये नादान परिंदों की एक टोली, पता नहीं किधर को बोली। तो मैं भाई भाई ड्राइवर मैं हूँ तो फिर गाड़ी तो उनके पीछे ही लगेगी। तो यहाँ पे मेरे टीममेट्स बहुत गोलियाँ चलाते हैं, वो भी बहुत गोलियाँ चलाते हैं। मेरे दो टीममेट कह रहा होता है नहीं नहीं गाड़ी मत ठोकना, गाड़ी मत ठोकना। मैं क्या हद की ऐसी की तैसी, मार बहन के लल्लो को। तो भाई मैंने किसी तरह से एक को मारा, दो को मारा, और मैंने शायद यहाँ पे एक को ही मार पाता हूँ, कितना तो नहीं, एक को ही मारता हूँ। जी हाँ, मैं एक को ही यहाँ पे मार पाता हूँ, बहुत अफसोस की बात है। कोई नहीं यार, ड्राइवर को ऐसे बहुत ही सस्ते किल मिलते हैं, कम किल मिलते हैं। तो इसी बीच इन्हें हम लूट रहे थे, तो इनका चौथा बंदा इनके साथ था नहीं, तो वो भाई कहीं और ही था। और मेरा रिफ्लेक्स देखो भाई, यहाँ पे लिटरली मेरा टीममेट मुझे हैकर बोलते हैं कि भाई तू हैक कर रहा है, तुझे पता चल गया था ये बंदा वहाँ पे। तो भाई ये देखो बताओ, इसमें हैक वाला सीन नहीं था। पर उससे पहले एक और चुदाप होता है, मेरे टीममेट को ये नीचे वाला क्रेट लूटना होता है, उसके लिए वो कहता मैं नेड़ मार रहा हूँ। भाई वो नेड़ मारे तो मार के गाड़ी ना फोड़ दी, इसलिए मैं गाड़ी लेकर के वहाँ से दूर हट जाता हूँ। पर भाई मेरी गांड इतनी गंदी सूझती है ना कि कहीं वो गार्ड वो नेट पर अगर पहले फट जाता तो शायद मैं पेटी बन जाता और मेरा अच्छा खासा गेम का लोल लग जाता। तो गाइज यहाँ पे देखो किस तरह से होता है, उसका एक स्प्रे आएगा, अभी स्प्रे आया उसका नहीं आया, अच्छा जी नहीं अभी नहीं आया, नहीं तो मैं लूटूंगा ना इसे। हाँ संभव मैंने इसे लूटना, इस क्रेट को, पता नहीं इस नेट की क्या ही ज़रूरत थी। अचानक से उस बंदे का स्प्रे आता है मेरे टीममेट्स पे और मेरी रिफ्लेक्स देखना, मतलब कति कातिलाना। देखो आया उसका स्प्रे, मैं उठा ऊपर देखा और मुझे स्पॉट हो गया, मैंने पेल दिया। वो कहता भाई तू हैक करके खेल रहा है क्या? भाई इतने मासूम मत हो बनो यार, मतलब क्या ही ब्रो, मतलब भाई दिख गया यार, मार दिया यार, मतलब कभी कभी तो होता है मेरे साथ ऐसा सीन। तो गाइस यहाँ पर इस नादान परिंदों की टोली को थोड़ा सा ज्ञान देने के बाद हम इन्हें बहुत अच्छे से लूटने की कोशिश करते हैं और हम तड़ा तड़ा लूटते हैं। भाई लूटने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी में बैठ करके हम लोग सोचते हैं चलो लॉन्ग ड्राइव पेचल वाला सीन करते हैं। तो हम लॉन्डो को लेकर के निकल लेते हैं आगे। तो भाई जोन कुछ इस प्रकार से बन रहा होता है कि पुचिंकी और बना उसको पूरी तरह से कवर कर रहा होता है। मैं कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले पुचिंकी चलते हैं, बंदे ज़्यादा बचे नहीं है। तो भाई यहाँ पर मैं ना
भाई सीधा चौथा नहीं आठवां गियर लगाता हूँ, और गाड़ी की स्पीड देख रहे हो भाई की मतलब कभी उड़ते उड़ते जा रही है। मतलब दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, जेब में रखा कैश है, घर में पूरा ऐश है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी मेरे को, पर मेरे पास कैश नहीं है ना ही मेरा ऐश है, हॉस्टल में पड़ा हुआ हूँ, लोड़े पड़े हैं ज़िंदगी के। तो गाइस यहाँ पे हम पहुँच गए थे पुचिंग की दोबारा से, जी हाँ जहाँ से शुरू की थी ज़िंदगी वहीं पर आकर के खड़ी हुई थी ज़िंदगी फिर से। तो भाई ये बहुत ही अजीब सीन था, जहाँ पर हम जन्म लेते हैं और वहीं पर हमारी मौत हमारा इंतज़ार कर रही हो, तो कसम से बहुत बुरा लगता है। पर अफसोस यहाँ पर हमारा मौत हमारा इंतज़ार नहीं कर रहा था, क्योंकि ये पुचिंग की है भाई, आज के डेट में यहाँ कुत्ता भी नहीं उठने आता, हम तो कुत्ते से भी घिनौने हैं। तो गाइस इसी के साथ ही हम डिसाइड करते हैं कि हम इस रिज के पीछे वाले बान हाउस पर जाएंगे और वहाँ पर बैठ के दो चार से बीड़ी बीड़ी पियेंगे, सिगरेट विगरेट पियेंगे, चाय कॉफ़ी पियेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमारे ऊपर एक रश होता है, पता नहीं किधर से आती है ये टीम। तो भाई देखो ये मेरा क्या ही, मैं क्या कर रहा भाई, मतलब ये खेल मेरा था यार, बस ये लोहा बीच में आ गया बहन का। तो भाई मेरे टीममेट्स तो छोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने दबा के इन्हें पेल दिया। इसी बीच हमारा एक टीममेट बेचारा नॉक हो जाता है और उसके बाद शुरू होती है असल कहानी। रिवाइव दे रिवाइव दे रिवाइव दे हमजा रिवाइव दे, भाई रुक जा यार सामने बंदा है ये। भाई मतलब मैं पर्सनली बताना चाह रहा हूँ, इस टाइप के प्रजाति के इंसान ना अपनी पूरी स्क्वाड के मुँह को मरवाने का जिगरा रखते हैं। तो भाई यहाँ पे हमजा समझदारी ही दिखाता है और उसको रिवाइव नहीं देता है, पर उसके लगातार रिवाइव दे के जाब के चक्कर में मैं फ्रस्ट्रेशन में आकर के यहाँ पर रिवाइव देता हूँ। पर सिचुएशन देखो, हमारा चार नंबर ऑफलाइन है, ये भाई नॉक पड़ा है, हम दोनों अड़ोस पड़ोस में, एक नेड आएगा हम और एक नंबर नॉक हो जाएंगे, तीन नंबर का पेटी बन जाएगा, और चूंकि चार नंबर ऑफलाइन है हमारा एक अच्छा खासा गेम ख़त्म हो जाता। और गाइस इस जगह पर तो क्या ही बोलो कि भाई मज़ा ही आ गया था। मतलब कि ये देखो एक किल मिला मेरे को, ये पता नहीं किस पे टीपी भी ले रहा था भाई, डिटॉल पी के बैठा था क्या। तो यहाँ पर ये क्लियर करने आया था मेरे टीममेट का, तो मैंने इसे तो मार दिया। पर इसके बाद जो हुआ है ना, कभी देखना मेरा स्प्रे, रुक जा अभी देखोगे, ये देखो कहाँ सातवें आसमान पे जा रहा है। तो भाई यहाँ पे एक टीममेट तो मेरा शहीद हो जाता है, पर मैं बाकियों को बताता हूँ भाई तुम्हें नहीं मरने दूँगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ जंग अकेले, लाइक अ वन मैन आर्मी। तो भाई यहाँ पर एक को नेट से फाड़ देता हूँ, तो बस बचता है अब यहाँ पे एक लौंडा। और भाई ये एक लौंडा ना मतलब पता ही मासूम सा बच्चा हो रखा होता है, मतलब मेरे को इस बड़े वाले बिल्डिंग में दिखता है। मैं बहुत ही सावधानी से, क्योंकि मेरे नेट्स अक्सर मेरे घर के अंदर जाते नहीं, आसपास नीचे गिर जाते, तो मेरे को डर लग रही थी कि मेरे टीममेट ना फट जाए। और अफसोस भगवान की किस्मत से, और मतलब मेरे किस्मत से भगवान की दया से, वो ऐसा नहीं होता है। और भाई वो लास्ट बंदा ना कति बहुत ही प्यारा सा बच्चा था यार, कहाँ छिपाता बहन जो मासूम बच्चा, मतलब तुम ही देखो यार, हाय 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 यहाँ कौन छिपता चचा। और इसी के साथ ही मैंने कर दिया बूम बाम चिकन एंड गाइस। होप यू एंजॉय द वीडियोस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।